हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। तो सेकंड क्लास पेज नंबर 23 पर आपका चैप्टर नंबर 4 है फूड फॉर हेल्थ, यानी वो खाना जो हमें हेल्दी रखता है ना, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए जो खाना है उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है बच्चों क्या है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टू ऑफ योर फेवरेट फूड, ऑल्सो राइट 1-2 लाइन अबाउट ईच ऑफ देम। तो बच्चों दो ऐसे खाना जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कि किसी को बनाना पसंद हो सकता है, किसी को टिक्की पसंद हो सकती है, चाट, तो जो भी आपको पसंद है बच्चों, जो भी चीज पसंद है उनकी आपको फोटोग्राफ बनानी है दो चीजों की, और उनके बारे में उनका पहले नेम लिखेंगे, फिर उनके बारे में लिखेंगे कि क्यों आपको पसंद है। जैसे कि अगर मैं कहूं तो मुझे बनाना पसंद है। बनाना क्यों पसंद है मुझे, क्योंकि वो एकदम मतलब हल्का होता है खाने के लिए और वो बहुत मीठा होता है। तो जो भी आपको चीज पसंद है आप लिखेंगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। तो वेन एवर वी आर हंग्री वी ईट फूड, जब भी हम भूखे होते हैं तब हम खाना खाते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए। इट हेल्प अस टू ग्रो, बच्चों जब हम पैदा होते हैं तो हम कितने छोटे होते हैं ना, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, तो ये जो हम बढ़ते हैं ना बच्चों, ये हम खाने की वजह से ही बढ़ते हैं, खाना ही हमें ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग, ये हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त मजबूत रखता है एकदम, हमें बीमारियों से बचाता है। जो खाना हम खाते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम बीमारियों से बच पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फूड, यानी खाना जो है वो किन किन जरियों से, किन किन स्रोत से हमें मिलता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, जो हमारा खाना है वो या तो हमें पौधों से मिलता है बच्चों, या फिर हमें जानवरों से मिलता है। तो प्लांट्स जो है उनसे हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, मेडिसिन यानी दवा, स्पाइसेस यानी मसाले, कॉफी जो हम कॉफी पीते हैं बच्चों, बड़े लोग पीते हैं जो, और टी जो चाय भी पीते हैं बड़े लोग, वो सारी चीजें हमें किन से मिलती हैं, प्लांट से। अब पढ़ते हैं एनिमल्स यानी जानवरों से हमें क्या मिलता है, तो मिल्क यानी दूध, एग अंडा, फिश मछली, चिकन यानी मुर्गी यानी जो मीट वगैरह हमें मिलता है, मीट हमें उन्हीं से मिलता है, और शहद हनी जो है हमें वो एनिमल से ही मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है ना। अब बच्चों है हमारा नेक्स्ट है फूड ग्रुप्स, यानी मतलब खाना कितने कितने तरह का हो सकता है। तो ऑल द फूड दैट वी ईट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, जो भी हम खाना खाते हैं उन्हें इन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। कौन कौन से ग्रुप है बच्चों, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्यों बनाया है कि हमें किन किन चीजों की मतलब किस किस मात्रा में कौन सा खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी होता है हमारे लिए वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, उसके बाद जरूरी होता है हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब अच्छा क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब वो खाना जो हमारी ग्रोथ में मदद कर रहा है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद कर रहा है। एनर्जी गिविंग फूड यानी वो खाना जो हमारे अंदर ताकत दे रहा है। जैसे कभी कभी बच्चों आप खाना नहीं खाते हो तो ऐसा होता है ना कि आपका कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, बहुत मतलब आलस आता है, ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, है ना, थकान महसूस होती है, तो वो एनर्जी की कमी की वजह से ही होती है। तो उसके लिए हमें क्या खानी चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड। एंड लास्ट है बच्चों हमारे प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड मतलब वो खाना जो हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा नाउ आई नो में कुछ दिया हुआ है, पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड पल्सेस एंड सीरियल्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। अच्छा बच्चों, जो लोग मतलब प्लांट्स की चीजें खाते हैं, जैसे कि प्लांट से मिलने वाली चीजें, फल, सब्जियां, दाल, अनाज, उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियंस। क्या कहते हैं बच्चों, वेजिटेरियन। जो मिल्क है वो भी वेजिटेरियन फूड में ही आता है, वेज फूड ही है वो मिल्क भी। लेकिन पीपल हु ईट एनिमल प्रोडक्ट लाइक एग, मीट, फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। लेकिन जो लोग एनिमल्स से मिलने वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि अंडे, मीट या फिर फिश, तो उनको क्या कहते हैं हम, नॉन वेजिटेरियंस। याद रखेंगे आप, वेजिटेरियंस वो जो प्लांट से मिलने वाली फल सब्जियां खाते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन वो जो मीट, एग, ठीक है बच्चों, ये सब चीजें खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में। तो बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो, बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो हमें बढ़ने में मदद करता है, हमारी जो हाइट है उसे बढ़ने में, हमारी हर चीज के, दिमाग बढ़ने में, हर चीज के। दे बिल्ड आर बोन्स एंड मसल्स, ये हमारी हड्डियां,
हड्डियां है ना, जो हमारी हड्डियां बढ़ेंगी तभी तो हमारी हाइट बढ़ेगी, तो हड्डियां को बढ़ाता है और जो मसल्स है हमारी मांसपेशियां होती है उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। एनर्जी गिविंग फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जो हमें शक्ति मिलती है काम करने की खेलने की वो हमें किससे मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड से। और जो प्रोटेक्टिव फूड है वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, डिसीजेस मतलब बीमारियां, बीमारियों से बचाते हैं। बच्चों बैलेंस डाइट, अ मील दैट कंटेन ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। अब बच्चों अगर आप केवल प्रोटेक्टिव फूड खाते रहोगे और बॉडी बिल्डिंग नहीं खाओगे तो भी सही नहीं है, केवल बॉडी बिल्डिंग खाओगे प्रोटेक्टिव नहीं खाओगे तो भी सही नहीं है, यानी हर तरीके का फूड हमारे जो खाना है उसमें शामिल होना चाहिए। तो वो खाना जिसमें हर तरीके का जो फूड है वो शामिल हो, बॉडी बिल्डिंग भी, एनर्जी गिविंग भी और प्रोटेक्टिव भी, तो ऐसे खाने को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब फूड आइटम्स लाइक बर्गर, पिज्जा, कोलाज एंड चिप्स आर कॉल्ड जंक फूड। जो चीजें बच्चों हम बाजार से लेते हैं जैसे कि बर्गर हो गए, पिज्जा हो गया, कोको कोला है यानी कोल्ड ड्रिंक जो है, और चिप्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जंक फूड। दे आर टेस्टी टू ईट बट नॉट हेल्दी, ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। दे मेक अस ओबेस, ओबेस मतलब फैट, बहुत ज्यादा मोटा बना देते हैं ये हमें, ठीक है बच्चों। वी मस्ट अवॉइड देम, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए यानी हमें उन्हें खाना नहीं चाहिए। अब टेक अ ब्रेक एक्टिविटी है, हमें ये जो फूड आइटम्स लिखे हैं इनके नाम जो है सही स्पेलिंग उन्हें जंबल करके के दी हुई है हमें, तो हमें उन्हें अनजंबल करना है और उनकी सही स्पेलिंग लिखनी है। अब अपने आप करेंगे बच्चों ये वर्क। नेक्स्ट है रॉ एंड कुक्ड फूड, रॉ मतलब कच्चा और कुक्ड मतलब पका, रॉ मतलब। तो बच्चों अब हम सब फूड आइटम्स आर ईटन रॉ लाइक ऑल फ्रूट सम वेजिटेबल लाइक क्यूकुम्बर टमाटो अनियन एटसेट्रा, जो काफी सारे फूड आइटम हैं वो कच्चे खाए जाते हैं, जैसे कि काफी सारे फल और काफी सारी सब्जियां जैसे कि खीरा, कुकुम्बर, टमाटो, टमाटर, अनियन, प्याज और बहुत सारी चीजें। और कुछ जो खाने की चीजें हैं वो कुक्ड खाई जाती है यानी उन्हें पकाकर खाया जाता है, जैसे कि ब्रिंजल मतलब जो हमारा बैंगन होता है, बिटर गर्ड लौकी होता है एंड लेडी फिंगर जो हमारी भिंडी होती है, ये सारी चीजें पकाकर खाई जाती है। तो बच्चों दो तरीके के फूड हुए, जो रॉ है यानी जो कच्चे खाए जाते हैं, कुक्ड फूड यानी जो पकाकर खाए जाते हैं। कैन यू नेम टू फूड आइटम दैट कैन बी ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, क्या आप दो ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जो कच्चे और पकाकर दोनों खाए जाते हैं? तो बच्चों टमाटो, टमाटर की हम सब्जी भी बनाते हैं, टमाटर को हम सैलेड में कच्चा भी खाते हैं। कैरेट यानी जो गाजर होती है उसे हम सब्जी भी बनाते हैं और उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, तो ये दो चीजें हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट है मील्स ऑफ द डे, यानी हम दिन में क्या क्या खाना खाते हैं। मील इज द फूड दैट वी ईट एट वन टाइम, मील जो खाना है वो खाना होता है जो कि हम एक बार में पूरा का पूरा खाते हैं। वी हैव थ्री मेन मील्स अ डे, बच्चों वैसे तो हम दिन में कई बार मतलब थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं लेकिन जो मेन फूड होता है वो हम तीन बार ही खाते हैं जैसे, और वो तीन क्या क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, लंच मतलब दोपहर का खाना और डिनर मतलब रात का खाना। तो ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, वी हैव इट बिफोर वी गो टू स्कूल, जो ब्रेकफास्ट होता है वो दिन का पहला खाना होता है और हम स्कूल जाने से पहले इसे खाते हैं और ये खाना बहुत जरूरी होता है वरना आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी पूरे ही दिन आप भले ही कितना भी कुछ खा लें। लंच, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से लौट कर आते हैं तो जो हम घर में खाते हैं बच्चों, दाल रोटी सब्जी दही सैलड अचार, ये सारी चीजें जो है ये सारी क्या होती है, लंच बच्चों। डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे, वी हैव इट एट नाइट, डिनर जो है वो दिन का लास्ट खाना होता है और इसे हम रात में खाते हैं। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, हमें अपना खाना टाइम से खाना चाहिए और काफी सारा पानी भी पीना चाहिए। इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वाटर हेल्प अस टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो पानी है इसी की वजह से जो हम अपने शरीर की गंदगी है उसे बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी खाना खाते समय अच्छे अच्छे हैबिट जो हैं वो क्या क्या हैं। तो वी मस्ट फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट टू स्टे हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ अच्छी ईटिंग हैबिट्स का पालन करना चाहिए। पहली क्या है, वी मस्ट वॉश आर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, हमें जो हम सब्जियां और फल खाते हैं उन्हें खाने या पकाने से पहले हमेशा धोना चाहिए पानी से। वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड, हमें खाने को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए बच्चों वरना उसके जो
क्वालिटीज हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, कोई एनर्जी नहीं देता फिर वो हमें। वी शुड फिनिश ऑल द फूड ऑन आर प्लेट, हम एक बार प्लेट में जितना भी खाना लें उसे हमें फिनिश करना ही चाहिए, हमें कभी भी खाना अपना छोड़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू फूड विद आर माउथ क्लोज, हमें अपना खाना जो है वो धीरे धीरे खाना चाहिए, और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे अच्छे से चबाना चाहिए मुंह बंद करके, जिससे कि खाना ना तो बाहर निकले और खाना जो है वो बिल्कुल, अगर आप ऐसे ही बिना उसे चबाए अपने मुंह के अंदर डाल लेंगे खा लेंगे तो फिर वो अटक जाएगा बच्चों, दिक्कत हो सकती है उससे। फूड आइटम शुड बी केप्ट कवर्ड, जो खाने की चीजें उन्हें ढककर ही रखना चाहिए, वरना उस पर मक्खी मच्छर आते हैं और वो हमारे खाने को इन्फेक्शियस बना देते हैं। आफ्टर हैविंग द मील वी मस्ट कीप आर सॉइल्ड प्लेट एंड बाउल इन द किचन, हमें खाना खाने के बाद जो हमारा जिस बर्तनों में हमने खाना खाया है वो हमें किचन में ही रख देना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड, हमें ताजा और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। अब बच्चों मिनी और मिकी हमें कुछ सिखा रहे हैं तो उनसे पढ़ते हैं। मिकी डिड यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, मिनी मिकी से पूछ रही है कि मिकी क्या तुमने अपने हाथ धोए खाना खाने से पहले, तो मिकी कहता है नो आई एम वेरी हंग्री आई कांट वेस्ट टाइम इन वॉशिंग हैंड्स, तो मिकी कहता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं और मैं हाथ धोने के लिए अपना समय वेस्ट नहीं कर सकता, इतनी भूख लग रही है मुझे। तो मिनी कहती है डोंट यू नो देयर आर जर्म्स इन योर हैंड दैट विल गो इन योर स्टमक एंड मेक यू सिक, तो मिनी कहती है मिकी से कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे हाथ में जर्म्स होंगे, मतलब कीटाणु होंगे, और जब वो तुम्हारे पेट में जाएंगे अगर तुम ऐसे ही खाओगे बिना हाथ धोए तो वो तुम्हें बीमार बना देंगे। तो मिकी कहता है आई एम सॉरी आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, तो मिकी कहता है कि मैं माफी मांगता हूं और मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगा। तो इससे बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स आर हेल्दी फूड फॉर द ब्रेन, जो अच्छे हमारी आदतें होती मतलब अच्छे विचार जो होते हैं वो हमारे दिमाग के लिए अच्छे खाने की तरह ही काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, आपको एक्सरसाइज अपने आप ट्राई करनी है, क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक के साथ साथ नोटबुक में भी करने हैं, और फिर एक्सरसाइज जो हम भेजेंगे उससे मैच करके सही फिल करनी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।